हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा.com में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो साथियों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसका आईडी नीचे लिंक में दिया गया है। तो चलिए आज हम आपको एक मीठी रेसिपी बताते हैं। देखिए मार्गशीर्ष महीना है, सबके फास्ट, कईयों के फास्ट है, तो फास्ट के दिन हम जो लगता है स्वीट डिश, रतालू और आलू, स्वीट पोटैटो और पोटैटो का हलवा। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। ये उबला हुआ आलू है, ये उबले हुए रतालू ऐसे लगेंगे इस तरह से। ये शक्कर है, ये देसी घी है, यह कुछ काजू के टुकड़े हैं, ये किशमिश है, ये इलायची पाउडर है, ये दूध है और यह कुछ आलू और रतालू हमने काट के रखे जो हम मैश करेंगे। तो चलिए अब फटाफट हम आपको बनाने की विधि बताते हैं। ये है उबला हुआ आलू जिसे हमने इसमें काट के रख लिया, और ये है उबली हुई रतालू स्वीट पोटैटो। तो इसे हमने देखिए, इसमें हमने चार स्वीट पोटैटो और एक पोटैटो उन्हें बारीक काट लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, इस तरह से मैश कर लेंगे। हाँ, तो चलिए हमारा ये बस फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया मैश करके हो गया। देखिए इस तरह से एकदम बढ़िया ही है मैश करके हो गया। अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी गैस को ऑन कर देते हैं इस तरह से, और उस पर हमारा यह कढ़ाई पैन चढ़ा देते हैं। यह थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें देसी घी डाल देंगे। चलिए तो हमारी कढ़ाई एकदम बढ़िया गर्म हो गई है। अब हम इसमें हमारा यह देसी घी डाल देते हैं। इसमें घी थोड़ा अच्छे से डालना है ताकि अच्छी तरह भून के हो जाएगा। ये घी हम इसमें डाल के गर्म होने के लिए रखते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसके अंदर हमारा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने किशमिश ली है, एक किशमिश डाल देंगे, और यह कुछ काजू के टुकड़े हैं ये हम डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट हो गए हैं फर्स्ट क्लास। अब हम इसके अंदर हमारा ये पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो जो मैश किया है वो डाल देंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम ये पूरा इसके अंदर डाल देंगे। इसे हमने इस तरह से पूरा का पूरा डाल लेना है, और बहुत अच्छी तरह से इसे भूनना है। कुछ 5 से 10 मिनट इसे भूनने में लग जाएंगे। देखिए यह हमारा पोटैटो स्वीट पोटैटो ड्राई फ्रूट कितने बढ़िया भून के रेडी हो गए। चलिए अब हम हमारी इसमें चीनी डाल देंगे। यह जो करीब हमने 1 कटोरी जितनी चीनी रखी है यह हम पूरी इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ साथ हम इसमें यह दूध है करीबन 1 कटोरी जितना, यह दूध भी इसके अंदर डाल देंगे, और इसे वापिस हम अच्छी तरह पका लेंगे, भून लेंगे। देखिए हमने मिक्स कर दिया चीनी और दूध दोनों को। अब हम इसे अच्छी तरह से वापस भून लेंगे। देखिए 10 मिनट तक करीबन भूनने के बाद ये हमारा हलवा इतना बढ़िया रेडी हो गया है, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। तो चलिए अब हम हमारी गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं। चलिए अब हम इसे हमारे बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से सर्विंग के लिए। यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे इस तरह से हम बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर इलायची पाउडर डालेंगे। यह हमने चुटकी भर इलायची पाउडर रखा है, यह हम पूरा इस पर इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें क्रश्ड बादाम, कुछ क्रश बादाम हमने रखे हैं जो इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से सजावट के लिए। क्रश बादाम डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक देने के लिए, थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट भी आ जाता है, हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे इस तरह से, हल्का सा देसी घी। बस ये अब हमारा खाने के लिए, देखिए कितना बढ़िया हलवा, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो का बढ़िया हलवा खाने के लिए तैयार हो गया है। तो देखा आपने किस तरह से ये हमारा बढ़िया पोटैटो और स्वीट पोटैटो का हलवा बनके रेडी हो गए हैं। आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए,
खाइए खिलाइए सबको, इसे हर कोई खा सकता है बच्चा बड़ा। और ये फास्ट के दिन ये मेरी मदर बहुत अच्छा, मेरी मदर हमेशा बनाती थी, मुझे अभी ये बनाई तो याद आ गया। हमारे घर जब भी फास्ट होता था मदर का तो बहुत सारा बनाती थी और हम सब भी खाते थे और बहुत मजा आता था। तो ये आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए। आप मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरी हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अगली रेसिपी में मिलते हैं फिर से आपके साथ, नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।